मैं मोनिका कुमार राठौड़, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के कुछ सिद्धांतों के बारे में। भारतीय दर्शन में हम जानते हैं जैसा कि कार्य कारण सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नाम से ही हम जान रहे हैं कि भारतीय दर्शन में, पूरे दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत का क्या स्वरूप है। कार्य और कारण दो शब्द हैं। अब कार्य और कारण के आधार पर हम सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। लगभग सभी दर्शन ने ये माना है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य ही है। उसके बिना कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता या अभिव्यक्त ही नहीं हो सकता। मतभेद कहाँ है? डिफरेंसेस जरूर होंगे, मतभेद है। और कहाँ है? कार्य कारण के स्वरूप को लेके है कि कार्य का स्वरूप क्या है या कारण का स्वरूप क्या है। इसी एक मुद्दे को लेके मतभेद पूरे भारतीय दर्शन में चल रहा है। जगत का मूल कारण क्या है, उससे उत्पन्न हुए कार्यों का स्वरूप क्या है, ये एक मतभेद लेकर कार्य कारण सिद्धांत को दो प्रकार से व्यवस्थित किया है। सारे भारतीय दर्शन में जितने जगह कार्य कारण सिद्धांत की चर्चा हुई है उन्हीं को लेके हम चर्चा करेंगे कि कार्य कारण सिद्धांत का क्या स्वरूप रहा है। और कार्य कारण सिद्धांत को चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये जानने की जिज्ञासुओं को इच्छा हुई कि इस जगत का मूल कारण क्या है, उससे उत्पन्न हुए, अभिव्यक्त हुए इस जगत का मूल कारण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, इसीलिए इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। तो ये जो दो व्यवस्थाएं की गई हैं, इनमें से एक व्यवस्था है कारणवाद और दूसरी कार्यवाद। मतलब दोनों पक्षों को लेके, कार्य को भी लेके और कारण को भी लेके दो इन्होंने ग्रुप डिवाइड कर ली कि कारणवाद और कार्यवाद। जो ग्रुप कारण पे ज़्यादा एम्फोसाइज करता है, ज़्यादा जोर देता है, वो कारणवाद कहला गया, और जो कार्य पे ज़्यादा एम्फोसाइज करता है वो कार्यवाद। अब कारणवाद को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। मतलब हर कोई कारण को तो मानेगा, लेकिन कैसे मानेगा उस पर डिपेंड करता है कि इसका स्वरूप क्या होगा। तो पहला जो है पॉइंट उसमें है सत्कारणवाद और दूसरा असत्कारणवाद। मतलब कारण को भी कोई सत मान रहा है, कोई असत मान रहा है। कौन मान रहा है ये हम आगे देखेंगे। अब कार्य को लेके जो डिबेट चला कि कार्य का क्या स्वरूप है, मतलब कार्य पे जिन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया, ज़्यादा जोर दिया, वो कार्यवाद कहलाया। वो भी दो प्रकार का है, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। अब ज़रूरी नहीं कि कार्य को जो मान रहा है वो कार्य का भी स्वरूप एक सा माने। हो सकता है एक ही चीज़ मुझे किसी दूसरे एंगल से दिखे, आपको किसी दूसरे एंगल से दिखे, एक ही चीज़ है। तो चीज़ तो हम दोनों एक मान रहे हैं, लेकिन एंगल्स अलग अलग हैं। सेम चीज़ है कि कार्य को वो मान रहे हैं, एम्फेसाइज कार्य पे है, लेकिन एंगल्स अलग अलग है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये दो पक्ष उनके हो गए। अब सत्कारणवाद को हम सबसे पहले लेते हैं। सत्कारणवाद क्या है? ये एक मुद्दा आया अद्वैत वेदांतियों की तरफ से। उन्होंने माना है कि सत ही कारण जो है वो सत ही है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार उन्होंने कहा है कि एकमात्र ब्रह्म सत है, उसके अलावा कोई दूसरा सत कारण है ही नहीं। और क्यों सत कहा है? क्योंकि ये तीनों कालों में एक समान रहता है, इसीलिए उन्होंने इसको सत कारण कहा है। शब्द से ही पता लगा है कि जहाँ कारण सत हो, और यहाँ कारण क्या है अद्वैत वेदांतियों के अनुसार? ब्रह्म। और कोई कारण है ही नहीं इस जगत का, तो वो एकमात्र कारण जो है ब्रह्म, वो सत है। और संपूर्ण जगत जो है इस मूल कारण ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त है मतलब वो वास्तविक परिणाम, वास्तविक रूपांतर नहीं है, परिणाम नहीं है। तो इस चीज़ को इन्होंने सत कारणवाद सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। और जगत क्या है? उस कारण ब्रह्म में, ठीक है, ब्रह्म को कारण माना है इस जगत का। है उसी को, उसी कारण को लेते हुए कहा है कि जगत इस कारण में अज्ञानवश आरोपित है। मतलब कोई उत्पन्न नहीं होता है, कोई अभिव्यक्ति नहीं होती, बस अज्ञानवश आरोपित है, मतलब इम्पोज्ड है बस। और जैसे हम कई बार सीप देखते हैं, उसमें हमें चांदी नज़र आती है। सेम पॉइंट है कि जैसे शुक्तिका में रजत या सीप में हमें चांदी नज़र आती, वैसे ही इस ब्रह्म में ये जगत आरोपित है, इम्पोज्ड है, और उसकी कोई अभिव्यक्ति, कोई उत्पत्ति नहीं है। अतएव कार्य की क्या है? आभासिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, बस सिर्फ व्यवहार करने के लिए सत्ता है। मात्र कारण का, और कारण भी कौन? ब्रह्म, वही एकमात्र सत्य है। तो शब्द से ही पता लग गया सत्कारणवाद और सत्कारणवाद के अनुसार सिर्फ एकमात्र कारण ब्रह्म सत्य है और अन्य कोई सत्य नहीं है। दूसरा सिद्धांत जो कारण को लेकर हमारे सामने आता है वो है असत कारणवाद। इसमें इस शब्द से भी हम अर्थ निकाल सकते हैं, असत कारणवाद। तो असत कारण में क्या है? यह शून्यवादी बौद्धों का एक मत है। उन्होंने ये मत दिया, उनका क्या मानना था कि कारण जब तक खुद नष्ट नहीं होगा, कार्य कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। जैसे जब तक बीज खुद ख़त्म नहीं होगा तो अंकुर कैसे बनेगा, अंकुर जब खत्म नहीं होगा तब तक पौधा कैसे बनेगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उनका मानना है कि कारण जरूर नष्ट होगा, उसके बिना कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जब तक कारण सत है, कार्य उत्पन्न कैसे होगा? इसी बीज का उदाहरण लेके समझाया है।
इसलिए इस जगत की उत्पत्ति जो हो रही है वो भी किसी न किसी कारण के नष्ट होने से हो रही है। उनका मानना एक साइकिल है, ये एक नष्ट होगा दूसरे की उत्पत्ति, दूसरे की दूसरा नष्ट हुआ तीसरे की उत्पत्ति, उनका ये साइकिल की तरह उन्होंने इस चक्र को माना है। तो जैसे बीज नष्ट हुआ, अंकुर, अंकुर से पौधा, सेम चीज़ उन्होंने जगत में मानी कि जगत में भी एक चीज़ नष्ट हुई दूसरी उत्पन्न होती, दूसरी नष्ट होती तीसरी उत्पन्न होती है। ये इनका मूल सिद्धांत है। इसका मतलब फिर कारण जब नष्ट हो रहा है तो इसका मतलब असत है, सत नहीं है, नष्ट होना ही क्या है, असत है। वो तीनों कालों में एक जैसा बना ही नहीं रह रहा है। जो बना रहता है उसको हम सत बोलते हैं, जो नहीं बना रह रहा उसको हम असत बोलते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस मत के अनुसार क्या है कि कारण स्वयं नष्ट होता है, स्वयं असत हो जाता है। तो असत कारणवाद, इसलिए इन्होंने माना है। निष्कर्ष हम ये दे सकते हैं कि असत मतलब जो कारण विनष्ट हो गया वही सत विद्यमान कार्य को उत्पन्न करता है। ये कारण को लेकर दो मत हमारे सामने प्रस्तुत हुए, सत कारणवाद, असत कारणवाद। सत कारणवाद अद्वैत वेदांतियों ने दिया और असत कारणवाद शून्यवादी बौद्ध दार्शनिकों ने दिया। अब कार्य को लेकर जो दो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं उसमें से प्रथम है सत्कार्यवाद। इस मत के प्रवर्तक सांख्य दार्शनिक है। सांख्य दर्शन ने इसको मूलतः माना है, मतलब उनका ये मानना है कि कार्य का स्वरूप अगर हम जान लेंगे तो कारण का स्वरूप भी डेफिनेटली हमें समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने कार्य को ज़्यादा लेके जोर दिया है। इनका मानना है कि कारण जो सत्कारण है उसी से सत्कार्य की अभिव्यक्ति होती है। मतलब कारण भी विद्यमान है और कार्य भी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नष्ट होता है फिर उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है, ऐसा इन्होंने नहीं माना है। इन्होंने बस इतना माना है कि कार्य उत्पन्न नहीं होगा, अभिव्यक्त होगा, लेकिन रहेगा, उसकी भी सत्ता रहेगी। कार्य जो है वो अपनी अभिव्यक्ति होने से पहले कारण में अव्यक्त रूप में रहेगा और कारण व्यापार के पश्चात व्यक्त हो जाएगा। मतलब कि जब तक कोई कार्य अपने कारण में है ही नहीं तो हम उसको मानेंगे कैसे कि ये इसी कारण से उत्पन्न हुआ है। सपोज जैसे बालू से अगर हम कहें कि बालू से हम कपड़ा बना लें तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बालू में वो कपड़ा या पट रहता ही नहीं है। पट रहता है अपने कारण तंतु में, मतलब अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व वो अपने कारण में रह रहा है। किस रूप में? अव्यक्त रूप में, और कारण व्यापार के पश्चात वो व्यक्त हो जाएगा। अतएव सांख्य दर्शन मानता है कि कारण और कार्य के संबंध में कार्य के आविर्भाव को और तिरोभाव को, उत्पत्ति को नहीं मानता है। कोई नवीन उत्पत्ति नहीं, कोई पूर्ण विनाश नहीं कार्य का, मात्र आविर्भाव और तिरोभाव, मतलब छिपा हुआ बैठा था जिसे कहेंगे हम, और बाद में वो सामने आ गया। हमारी अपनी भाषा में अगर हम इसको समझे सिद्धांत को तो इसका यही मीनिंग है कि वो अपने काल में छिपा हुआ था और व्यक्त हो गया। इसी सिद्धांत को लेकर उन्होंने अपना पूरा दर्शन दिया है कि महत आदि जो कार्य हैं वो प्रकृति में अव्यक्त अवस्था में थे और बाद में वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। अगला जो सिद्धांत कार्य को लेके है, कार्य के स्वरूप को लेके है, वो है असत्कार्यवाद। पुनः हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम इसको इसी शब्द से समझें, असत्कार्यवाद। जो कहाँ जहाँ कार्य ही असत है उसी को हम असत्कार्यवाद कहेंगे। लेकिन इसको समझेंगे हम इस तरह से कि ये सिद्धांत दिया है न्यायिकों ने और वैशेषिकों ने। इनका मानना है कि कार्य को अगर हम समझेंगे तभी हम कारण को भी समझ पाएंगे। तो कार्य जो है अपने कारण में अपनी उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान नहीं रहता। कार्य का अपना कारण में अपनी उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान ना रहना ही असत कार्यवाद है। मतलब कारण नहीं है, कार्य नहीं है जहाँ, तो वो असत कार्य। जैसे मिट्टी में घट क्या है? असत है। यदि कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहेगा तो दोनों को एक ही नाम से जानेंगे हम। अगर वो पहले से है ही वहाँ तो दोनों को एक नाम से जाने, अलग अलग नाम से जाने की ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कार्य और कारण दोनों की अलग अलग सत्ता है, दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस उनका रखते हैं। तो कार्य के कारण से पूर्ण रूप से नवीन उत्पत्ति होती है। वही मानते कि कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है या एक खत्म होकर दूसरे को उत्पन्न करे, ऐसा भी नहीं है। पूर्णतः एक नवीन उत्पत्ति होती है, उनका ये मानना है न्यायिकों का, कि कार्य एक नवीन उत्पत्ति है। उनका मूल सिद्धांत यही है। परंतु जब तक कारण नष्ट नहीं होता है उसकी भी सत्ता बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि कारण नष्ट हो जाएगा और उसकी उसके बाद में कोई कार्य उत्पन्न होगा या अभिव्यक्त होगा और कारण नष्ट हो जाएगा। नहीं, कारण नष्ट नहीं होता है, मात्र कार्य जो है वो पूर्ण रूप से नवीन रूप से उत्पन्न हो जाता है। सिंपल अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करके समझे तो मात्र कार्य जो है वो कारण से नवीन रूप में उत्पन्न हो जाएगा। बस इनका यही सिद्धांत है। और वो ना कारण को नष्ट मानते हैं ना कार्य को नष्ट मानते हैं, कार्य को एक नवीन कार्य के रूप में जानते हैं। इसलिए दोनों की सत्ता बन जाती है, कार्य की भी और कारण की। अगर विद्यमान नहीं रहेगा तो कोई हानि नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि कारण और कार्य दोनों एक ही नाम से जानेंगे। अगर हम ये मान लें, जैसे उनका सांख्य ने कहा कि पहले से विद्यमान रहता है, तो क्या होगा कि दोनों एक ही नाम से जानो। फिर नैयायिकों का ये तर्क है
अगर वो उसमें विद्यमान है तो एक ही नाम से जाना, परंतु ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम ये नहीं मान सकते। वो अपने कारण में असत रहता है, अविद्यमान रहता है और बाद में उसकी नवीन उत्पत्ति होती है। तो भारतीय दर्शन में कार्य और कारण को लेकर जो विवाद छेड़ा उससे चार ये सिद्धांत हमारे सामने आ गए। कारण को लेकर दो सत्कारणवाद, असत्कारणवाद, और कार्य को लेकर दो वाद हमारे सामने आ गए, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। इसी के आधार पर हम पूरा भारतीय दर्शन, उसमें क्या कार्य कारण सिद्धांत बनता है, उसको समझ सकते हैं।